एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, फितने उठ रहे हैं मुआशरे के अंदर, ऐसे ऐसे फितने उठ रहे हैं कि खुद अपने आप की तारीफ करने वाला दीन का दाई हो, एक दीन का दाई हो, चलो सियासतदान तो अपनी खिदमात अपनी तारीफ करे ठीक है, लेकिन एक दीन का दाई सुबह से लेकर शाम तक बंद कमरे के अंदर बैठ के अपनी तारीफ करता रहे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा गोल्डन कोट, ऐसा बदनसीब भी कोई हो सकता है जो अपने कोल को खुद अपनी जिंदगी में सुनहरी कोल कहता हो? जी मिर्जा साहब क्या अच्छा, और उसके सारे मानने वाले इखलाक का भाषण देंगे, खुद इखलाक नाम की चीज नहीं, रटे रटाए जुमले, मैं फकी दे रहा हूं, शर्म से डूब मरना चाहिए, मैंने एक्सपोज कर दिया। उस बदबख्त से कोई नहीं बचा जिससे सहाबा महफूज ना हो, उससे किसने बचना है? क्या गोल्डन कोट है? अगर कादियानी हमें काफर ना कहें, अगर कादियानी हमें काफर ना कहें, हम भी उनको काफर नहीं कहते, ये मेरा गोल्डन कोट है, मैंने कई जगह कहा है। अच्छा मिर्जा साहब, और कादियानी तुम्हें वलीउल्लाह भी कहें, अल्लाह की कसम वो फिर भी काफर है। अच्छा अपनी बात से ऐसे बदलता है, एक दिन कुछ कहेगा, एक दिन कुछ कहेगा, नई नई वीडियो आ रही हैं, अकल के ऊपर पर्दा, और उसके मानने वाले कहेंगे लामा साहब ये छोटा सा क्लिप है 50 सेकंड का, 1 मिनट का, पूरी तकरीर सुने, और ये बदबख्त हदीस का आधा टुकड़ा आपको सुना के उसके अंदर अपनी मर्जी के मानी और मफाहीम पैदा करता है, आप इसको पूछते नहीं है? नया मसला बयान के मुफ्ती हैं मेरा भाई, छोटा भाई उमर में अबू या नूरपुरी, ये उससे भागा हुआ है इलम में हदीस में, वो मुझसे आगे हैं यकीनन, उन्होंने इनाम रखा हुआ है कि 3 लाख रुपया नकद ले लेना, मेरे सामने 1 घंटे के लिए बैठ जाए, बात क्या की है? कहता है जो साहबा कुरान पढ़ते थे मुआदल्ला जुबानी हिफ्ज के साथ, अगर तुम मोबाइल के ऊपर देख के पढ़ोगे तुम्हें उनसे दोहरा अजर मिलेगा, नाऊज़ु बिल्ला। अकल और मंतक के ऐसे पर्दे डले हुए हैं, अंध बकत मुकल्लद नीचे लिख रहे हैं, लामा साहब ऊपर से देख के पढ़ने वाले को दोहरा सवाब नहीं मिलता, कैसा अकल पे पर्दा? पहली बात ये भी सुन लीजिए, दूसरी बात बाद में करूंगा, जो हिफ्ज करके जुबानी पढ़ता है कभी नाजरे वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अजीब अकल के ऊपर पर्दा है, जिसको जुबानी याद है उसने हिफ्ज की है, उसने मेहनत की है, उसको याद हो गया है, वो जुबानी पढ़ेगा हिफ्ज वाला अफजल है कि नाजरे वाला? पहली बात ये भी गलत, दूसरी बात है तू मुआजना किसके साथ कर रहा है? बुग़्ज़े सहाबा में अंधा हो चुका है, बुग़्ज़े सहाबा में, जब बंदे के दिल में सहाबा का बुग़्ज़ आ जाए ना, वो अपनी खुद इतना नरगसियत का शिकार आदमी है कि बंदा हैरान रह जाता है, अपनी तारीफें करता रहता है अपनी, मेरा गोल्डन कोट है। एक सहाबी अगर आध हाथ गंदम और जो खर्च करे ना, मैं और आप उठ जाएं, ओहद पहाड़ 9 किलोमीटर लंबा चौड़ा, उस जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात खर्च कर दें, हम सहाबी की आध हाथ की जोर गंदम के अजर को नहीं पहुंच सकते। ये कहता है ऊपर से देख के पढ़ने वाला सहाबा से दुगना अजर ले लेता है। बुग़्ज़े मुआविया के अंदर रटी रटाई 2-4 रवायतें और बातल फासद तवीलात के साथ लोगों को गुमराह कर रहा है। ये अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नती कहा था, अब आप खुद बताएं जन्नती के खिलाफ जो लड़ेगा वो बातल होगा, ये फलसफा कहां से आया? अगर तेरा ये फलसफा तेरे पे पलटा दिया जाए तो हजरत तलहा मुअय्यन जन्नती नहीं, हजरत जुबैर मुअय्यन जन्नती नहीं, अम्मी आयशा मुअय्यन जन्नती नहीं, हजरत अली भी जन्नती हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबल आए थे, तलहा जन्नती नहीं, तो मुआदल्ला क्या नाऊद बिल्ला हजरत अली के ऊपर कोई अहले सुन्नत का बंदा इल्जाम लगाता है? ये तेरी दलील क्या है? बोगस बोगस दलील, हजरत अली के मुकाबले में जो आए क्योंकि अली जन्नती थे इसलिए मुआदल्ला बाकी। हजरत अमीर माविया के बुगद में ऐसा अंधा पागल हो गया, बनू उमैया को गालियां देता रहता है, ये नहीं सोचता नबी ने अपनी दो बेटियां हजरत उस्मान को दी, हजरत मुआविया की बहन से शादी की, ये कोई नहीं सोचेगा, बदबख्त हो गया है। जो बंदा जिसकी जुबान से साहबा ना बचे तवील हदीस के ऊपर ऐसी करता है, अम्मार की हदीस के अंदर लिखा है जी 2-3 हदीसें सिर्फ लोगों को मुआलता डालने के लिए,
वो अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा और अम्मार को एक गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाएगा। ऐसा बदबख्त और अकल के ऊपर पर्दा है, और उसके मानने वालों को भी शर्म नहीं आती। और इसका इतलाक किसके ऊपर करता है? हजरत अमीर मुआविया। हजरत अमीर मुआविया मुआदल्ला जहन्नुम की दावत देने वाले? जिस अमीर मुआविया के बारे में रसूलुल्लाह के क्या मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के मां-बहन, अल्लाह अजीम भी कह रहा है, मुसलमान भी कह रहा है, तू कह रहा है जहन्नुम की दावत देते थे मुआदल्ला। बदबख्त है तू, तूने हदीस पढ़ी ही नहीं, तू इल्मी मैदान में जीरो है, इसलिए तू मनचाही तवीलात करता है। जी अम्मार को फिया बागिया ने कत्ल करना है जो उनको जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। बदबख्त आदमी अमीर मुआविया वो हैं कि जिनके हाथ के ऊपर अहले बैत के दो अजीम शहजादों ने हसन और हुसैन ने बैत कर ली, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले की बैत कर ली। कैसा तूने अकल के ऊपर ऐसे। चलो इख्तलाफ हो जाना बड़ी बात नहीं होती, मान लेते हैं, लेकिन अकल से भी पैदल। कहते हैं इमाम अबू हनीफा सबके रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक के पोता शगिर्द, अकल के ऊपर पर्दा है क्या? नहीं। इमाम मोहम्मद की मुलाकात इमाम मालिक से इमाम अबू हनीफा के फौत हो जाने के बाद हुई है। बस झूठ बोली जाएगा, अंधबकत कही जाएंगे। जा इसका अबू याया भाई कहते होते हैं, ये मिर्जा मफरूर बेग है, 3 लाख रुपया नकद ले ले, 1 घंटा मेरे छोटे भाई के साथ बैठ जा, तेरी हकीकत खुल जाएगी। नहीं बैठना तो अपनी जुबान को लगाम दे दे। अगर मुनाजरे से मफरूर है तो मुबाहला कर ले। हजरत अमीर मुआविया सहाबी भी हैं जन्नती भी हैं, हजरत तलहा सहाबी भी हैं जन्नती भी हैं, हजरत जुबैर सहाबी भी हैं जन्नती भी हैं, अबी आयशा सहाबिया भी हैं जन्नती भी हैं। अगर तेरे में जर्रा बराबर गैरत है तो आ मुझसे मुबाहला कर ले कि मैं साबित करता हूं जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। आ जा मुबाहला कर लेते, मैं कहता हूं ये जन्नती हैं, ये सहाबी हैं। तू सारा दिन सहाबा के खिलाफ बोलता रहता है, इसीलिए घर में छुपा हुआ, ये बाहर नहीं निकल सकता। ये बाहर निकले लोग इसको जूतियां मारे। ऐसे ऐसे स्कॉलर पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन फितनों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए।